वापस वो रिवाइज कर सकते हैं और वो मेंटली ज़्यादा और स्ट्रांग होंगे. My topic is related to dream role play. I think it is a big achievement for a student. When I will describe about the dream role play. Dream role play एक student के सामने हम लोग रखने से ये फायदा हुआ कि उनके सामने क्या लक्ष्य है, उनको क्या करना है, what is his goals and what is the motive of his career in the trade. Lots of but dream role play कराने से उनके सामने जो भी चीज होते हैं वो अच्छे से फोकस कर सकते हैं उस रोल के बारे में प्ले करके और अच्छे से मतलब कर सकते हैं. डिबेट बाय अ स्टूडेंट. डिबेट एक ऐसा चीज है जिसमें रोज अगर हम लोग डिबेट कराते हैं कुछ नया निकलता है बच्चों के बीच. वो नया सबके लिए इंस्पायर कर सकता है, सबको इंस्पायर कर सकता है. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना थिंकिंग बोलेंगे तो ये सबके लिए अच्छा होगा, इसलिए डिबेट पर भी हम लोग को ध्यान देना. क्लास डिस्कशन बाय स्टूडेंट कम्युनिटी. क्लास में जो भी डिस्कशन जो भी स्टडी हुआ है उनके बारे में फिर से एक बार डिस्कशन होना चाहिए. और भी जैसे जो भी मतलब उससे क्या होता है जो मतलब बच्चे आज जो क्लास हुआ वो कल एक बार सुबह में उनका डिस्कशन होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है. इसमें है कि जो भी बच्चे कमज़ोर होते हैं उसको मैं ये ऑडियो या वीडियो क्लिप कर हम उसके मोबाइल में डाल के या टैबलेट में डाल के उनको हम रिमाइंड कराते हैं क्लास पीरियड में या मोबाइल में या हॉस्टल के पीरियड में, तो उनको ज़्यादा ये रिवाइज होती है और ज़्यादा ये कैप्चर करते हैं एक दूसरे किस तरह से अटैक कर रहे हैं. कोई भी पॉइंट है, कोई भी चीज़ के माने हॉस्पिटैलिटी है या ये टैली है, इसे प्रैक्टिकली जब होता है तो बच्चे लोग ज़्यादा समझते हैं. तो बेहतर होता है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं. थैंक यू. डायरी.